लेकिन सर दावे दावे और वादे वादे हैं, कब तक ये खोखले वादे होते रहेंगे? देश के प्रधानमंत्री की बात का कोई सम्मान होना चाहिए? गरीब पैदा होता है, मर जाता, ना अच्छा इलाज मिलता, ना सुविधाएं मिलती, बस उसका जीवन है कि वो पैदा हो गया। ऐसा लगता है मजबूरी में पैदा हो गया। एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को वैसे ही नौकरी नहीं मिल रही है, और जब ये पूरा सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा तो क्या रिजर्वेशन करेंगे हम लोग कि गरीब आदमी हवाई जहाज में सफर नहीं कर सकता। मैंने भी ये तय किया था कि मैं अपनी सैलरी से अपनी माँ को एक बार हवाई जहाज का सफर जरूर कराऊँ। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, मेरे आज भी याद है, मेरी माँ ने एक बार मुझसे कहा कि मेरे मामा बहुत गौरवशाली हैं कि उनकी बिटिया ने उनको प्लेन का सफ़र करा दिया। क्योंकि हम गांव से आते हैं, किसान परिवार से हैं, तो हर चीज़ की हमारे लिए अहमियत है। मैंने भी ये तय किया था कि मैं अपनी सैलरी से अपनी माँ को एक बार हवाई जहाज का सफ़र ज़रूर कराऊँगा। अब हालात ऐसी हैं, आप बेहतर जानते हैं, हमने देश भी जानता है, सब लोग जानते हैं कि गरीब आदमी हवाई जहाज में सफ़र नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री जी तो कहा था बहुत दिन पहले कि चप्पल वाला जो है हवाई जहाज में सफ़र करेगा, लेकिन आज हालात ऐसे हैं, किराया भाड़ा इतना बढ़ गया है, ये नीतियाँ हैं उसकी वजह से, कि गरीब आदमी सफ़र नहीं कर सकता है। गरीब आदमी तो ट्रेन में एसी के डब्बे में सफ़र नहीं कर सकता, इस तरह के हालात। तो मेरी मंत्री जी से मांग है कि कोई व्यवस्था ऐसी की जाए कि जो करोड़ों महिलाएं देश की हैं, करोड़ों परिवार ऐसे जिन्होंने सपना ही देखा हवाई जहाज को जाते, उनको भी एक बार मौका मिलेगी हवाई जहाज का सफ़र करने। तो अगर किराया सस्ता होगा तो शायद वो प्रयास कर सकते, उनके बच्चे प्रयास कर सकते हैं। साथ साथ वायु यात्रा में सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। कई बार हादसे हुए हैं, कई चीज़ों पर हमें गौर करना है। साथ साथ ज़्यादातर एयरपोर्ट जो हैं वो प्राइवेट हो गए, और प्राइवेट होने की वजह से कर्मचारियों का शोषण होता है। कर्मचारियों की, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत है, तो कर्मचारियों को वहाँ काम करने में जो सैलरी मिलती है उसमें एक बार का टिकट भी नहीं आता कई जगह पर। तो मेरी आपसे ये आग्रह है कि जिन लोगों जो प्राइवेट हो गए वहाँ भी सैलरी कम से कम न्यूनतम वेतन इतना होना चाहिए 20,000 रुपये कि वो अपने परिवार का भी और सफ़र भी वो कभी कर ले, ऐसा मौका भी उन्हें मिलना चाहिए। साथ साथ प्राइवेट होने की वजह से SST OBC के बच्चों को जो नौकरी मिल जाती थी वो भी जीरो होगी। तो मेरी आपसे आग्रह है कि अगर प्राइवेट भी हो गया तो उनसे भी कहा जाए कि कमजोर वर्गों के लोग बच्चों को मौका दिया जाए। साथ साथ नगीना में जहाँ जिससे जिन्होंने मुझे चुन के भेजा, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ उस क्षेत्र का, वहाँ एयरपोर्ट नहीं, और लंबे समय से उनकी ये मांग, वहाँ पायलट ट्रेनिंग स्कूल भी नहीं है, रोस्टर ट्रेनिंग स्कूल भी वहाँ खोलना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं को नकारना नहीं चाहिए। साथ साथ मेरा जिला जो है सहारनपुर, वहाँ एयरपोर्ट पुराना है, वो डिफेंस का है सरसावा में, लेकिन वहाँ से पैसेंजर जो है यात्रा के लिए कोई सुविधा नहीं। और साथ साथ एक जगह है छुटमलपुर, क्रांतिकारी जगह है, जहाँ हम पैदा हुए, क्रांतिकारी जगह है ही वो सर, तो वहाँ पे भी हवाई पट्टी की जो है स्थापना जो है सरकार को करानी चाहिए। हमारे लोगों को, छुटमलपुर के लोगों को बहुत अच्छा लगे, और फ़ायदा भी होगा बहुत सारा, जो है आसान हो जाएगा जनता के लिए। और सुबह से हम प्रयास कर रहे हैं सर कि हमें बोलने का मौका दिया, यहाँ छोटी पार्टियों के लिए थोड़ी समस्या है, और ढाई ढाई घंटे इंतजार का मौका मिल रहा है। मैं भाजपा के साथियों को याद दिलाना चाहता हूँ, एक समय था कि आप पे भी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आज आपकी सरकार है, आपको तीसरी चौथी बार मौका मिला है। अगर हम लोग भी ज्ञान की कमी थोड़ी है किसी में, ऐसा तो रानी के पेट से ही राजा पैदा होता है, या कोई माँ के पेट सीख के आता है, हम तो संघर्ष करके आए 15-15 साल, तो जब हमें मौका ही नहीं मिलेगा अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो हमारी बात कैसे पहुँचेगी। साथ साथ मेरा आपसे आग्रह है, ये मेरी मांग नहीं है, ये पंजाब के लोगों की मांग है, देश के प्रधानमंत्री जी कह के आए थे पंजाब में, कह के आए थे पंजाब में कि जब आदमपुर एयरपोर्ट का नाम जो है सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर करने के लिए कह के आए थे प्राइम मिनिस्टर, आप पता करा लो, ऑन रिकॉर्ड है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा जब पंजाब गए कि हम इस जालंधर में जो एयरपोर्ट है आदमपुर में, कि हम उसका नाम सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर करेंगे। लेकिन सर दावे दावे और वादे वादे हैं, कब तक ये खोखले वादे होते रहेंगे? देश के प्रधानमंत्री की बात का कोई सम्मान होना चाहिए। क्या सरकार मंत्री जी नहीं सुनना चाहते, या फिर उन्होंने झूठा वादा कर लिया? इन पे भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन साथ साथ मेरी मांग भी है, मैं पुनः इस बात को दोहराऊंगा सर, कि गरीब लोग, मैं गाँव में जाता हूँ, मीटिंगों में जाता हूँ, पूछता हूँ महिलाओं से, कभी हवाई जहाज सफर किया? मैं लाखों लोगों से मिल चुका, आज तक गरीबों ने हाथ नहीं उठाया सर कि उन्होंने हवाई जहाज का सफर किया, हेलीकॉप्टर का भी नहीं किया है। क्योंकि सर इस देश में आर्थिक गैर बराबरी बहुत बड़े पैमाने पे है, गरीब पैदा होता है, मर जाता, ना अच्छा इलाज मिलता, ना सुविधाएं मिलती, बस उसका जीवन है कि वो पैदा हो गया। ऐसा लगता है मजबूरी में पैदा हो गया, उसको पैदा ही नहीं होना चाहिए था। इस देश में कमजोर वर्गों के लोगों का भी सम्मान होना चाहिए, उनको अवसर मिलना चाहिए, सरकार की योजनाओं में गरीबों की हिस्सेदारी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान जो है सरकार को रखना चाहिए। और अगर सरकार नहीं रखती है तो वो सरकार सर गरीबों की नहीं हो सकती है। नौजवान जो है मंत्री सरकार ने दिए हैं,
और मुझे उम्मीद है ये एक नौजवान दूसरे नौजवान के दर्द को और गरीबों के दर्द को और ग्रामीण क्षेत्रों के दर्द को समझेगा। और मुझे भरोसा है आपके ऊपर, आपकी शैली के ऊपर, क्योंकि पिछली बार भी ये विषय उठा था। हम जाते हैं सब लोग कि आप इस बात को इस बार सफल करने में कामयाब हो जाएंगे। मेरी मंगल कामनाएं भी है कि कोई गरीब परिवार आपको प्रार्थना करे, दुआएं करे कि आपने उनको ये मौका दिया। वरना आदमी पैदा होता है भारत में और गरीबी में मर जा, हजारों साल चला, अभी आजादी के 75 साल बाद भी अगर ये नहीं हो पा रहा है तो इस पे हमें गौर करना चाहिए कि क्यों नहीं हो पा रहा। कई सीनियर साथी हमारे यहाँ है, मैंने उनको प्लेन चलाते हुए देखा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते भी। मेरा विश्वास है कि अगर इधर से भी और इधर से भी सब लोग जनता के विषय में सोचेंगे तो जनता की जिंदगी आसान होगी, जो कि अभी नजर नहीं आती। और मैं फिर आपसे आग्रह करूंगा, आप चेक कराइए एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को वैसे ही नौकरी नहीं मिल रही है, और जब ये पूरा सेक्टर प्राइवेट हो जाएगा तो क्या रिजर्वेशन करेंगे हम लोग? क्या फायदा रिजर्वेशन का जब एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को क्या रिजर्वेशन का फायदा? गाली तो खाते हैं इस नाम पे, लेकिन रिजर्वेशन ही कहां मिलेगा जब सब प्राइवेट हो जाए? प्राइवेट वाले कहां दे रहे हैं? तो उनको कहिए कि प्राइवेट सेक्टर में, मैंने मैं विधेयक लेके आया निजी विधेयक कि प्राइवेट सेक्टर में एससी एसटी ओबीसी के बच्चों को मौका मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आज चर्चा हुई इसमें कि भाई क्रिमिनल हो गए, कितने अरबपति बने आप लोग, कितने लोगों पे हवाई जहाज बताइए एससी एसटी के लोगों पे, कितने लोगों पे हेलीकॉप्टर बताइए आप, कुछ नहीं आपके पास आंकड़े। सब लोग मिलकर गरीबों को चलना चाहते हैं, ये गलत है सर। मैं आपका धन्यवाद करूंगा पुणे सर, और क्योंकि हम ही कोरम पूरा करते हैं सर, देख लीजिए आप, हम ही बैठे कोरम पूरा करते हैं। हमें विश्वास है अपने देश की पार्लियामेंट पे कि आज नहीं तो कल इस पार्लियामेंट से गरीबों के लिए कानून बनेंगे और गरीबों के लिए पॉलिसियां बनेंगी और गरीबों को भी सम्मान का जीवन मिलेगा, ऐसा हमें विश्वास है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मुझे उम्मीद है नौजवान हमारे मंत्री से कि वो गरीबों की बात को सुनेंगे और हम लोगों की पीड़ा को समझेंगे और हमारे क्षेत्रों में काम कराने का। धन्यवाद श्री रविंद्र।